एक्सप्रेस रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जगदलपुर। बस्तर में सड़क दुर्घटना को बढ़ता देख यातायात पुलिस ने नाबालिगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नाबालिगों के द्वारा दुपहिया चार पहिया दौड़ाए जाने वाले वाहनों के ऊपर अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यातायात पुलिस के प्रभारी कैलाश देवांगन ने बताया कि कुछ सप्ताह से नाबालिग बच्चों द्वारा लगातार शहर के सड़कों पर सरपट गाड़ी दौड़ाने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। साथ ही नाबालिग बच्चों की वजह से सड़क हादसे भी आए दिन बढ़ रहे हैं। कई बार समझाइश के बावजूद भी नाबालिगों द्वारा वाहन तेज चलाया जाता रहा है। अब यातायात पुलिस विभाग ने इन पर शिकंजा कसने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत शहर के मुख्य चौराहों पर टीम द्वारा इन नाबालिग बच्चों को पकड़कर इन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके परिजनों को भी सूचित किया जा रहा है। इसके बावजूद बच्चों द्वारा नहीं मानने पर गाड़ी जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं यातायात प्रभारी ने यह भी बताया कि पिछले 10 दिनों में अब तक 60 से अधिक नाबालिग बच्चों पर कार्रवाई की जा चुकी है। 10 दिनों के भीतर तीन सवारी, हेलमेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 300 लोगों से 1.5 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बीते कुछ दिनों में नाबालिगों द्वारा सड़क पे लगातार दोपहिया और चारपहिया वाहन दौड़ाए जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना बढ़ती हुई जा रही है। यातायात विभाग को कोई ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस दुर्घटना पर लगाम लग सके। बस्तर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद इमरान की पत्नी अफसाना का अपने पड़ोसी सुरेश चौधरी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सुरेश चौधरी लगातार अफसाना के ऊपर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन अफसाना के द्वारा इनकार करने की वजह से सुरेश चौधरी ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। इस दौरान आग बुझाने की वजह से सुरेश चौधरी भी बुरी तरह से झुलस गया। दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान अफसाना की मौत हो गई है और सुरेश चौधरी का इलाज चल रहा है। शादी से इनकार करने की वजह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलस जाने की वजह से उसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां 2 दिन तक इलाज करने के बाद उसकी मौत हो गई। प्रेमी भी झुलस गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार का समय तय नहीं है, मगर स्टेट गैरेज अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुका है। मध्य प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के साथ साथ अब स्टेट गैरेज में गाड़ियों को भी तैयार किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में स्थित स्टेट गैरेज में उन मंत्रियों की गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, जिनका उपयोग मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री और उनका स्टाफ करता है। करीब एक दर्जन गाड़ियों में से कुछ टाटा सफारी, कुछ इनोवा कारों को तैयार किया जा रहा है। करीब एक महीनों की पशुपेश में मंत्रिमंडल का विस्तार 30 जून को लगभग तय माना जा रहा था, मगर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दखल अंदाजी के बाद संभवतः 1 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होना बताया जा रहा है, जिसके लिए स्टेट गैरेज में खड़ी गाड़ियों को तैयार कर लिया गया है। यहां मौजूद कर्मचारियों की माने तो बल्लभ भवन से फोन आने के बाद गाड़ियों को यहां से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए इन गाड़ियों को रवाना कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार स्टेट गैरेज में खड़ी हुई चमचमाती गाड़ियों का इंतजार कब तक खत्म होता है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन पूरे होने को लेकर कांग्रेस ने बनाया काला दिवस। कांग्रेस ने बनाया काला दिवस। कांग्रेस की कमलना सरकार के और भाजपा की सरकार बने के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने आज इसे काला दिवस के रूप में मनाया। राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने हाथों में काले झंडे, पोस्टर और गुब्बारे लेकर अपना विरोध जताया, प्रदेश सरकार का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आदि कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेसियों का कहना है कि आज से 100 दिन पहले भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की थी, इसी का विरोध स्वरूप वह आज काला दिवस मना रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आने वाली 24 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और भाजपा को जनता इसका करारा जवाब देगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 100 दिन में ही कैबिनेट का विस्तार नहीं कर सके, आने वाला विधानसभा सत्र भी इसी प्रकार चलता रहेगा। ओवर। कांग्रेस जनों का आरोप है कि 100 दिन की सरकार में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और सरकार कहीं पे भी कैबिनेट का विस्तार नहीं करना चाहती, आने वाला विधानसभा सत्र भी ऐसे ही चलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर के भोपाल। भाजपा की सरकार में ही नहीं सुनी जा रही है भाजपाइयों की बात, दर्जनों कार्यकर्ता दे रहे हैं आत्मदाह की चेतावनी।
शिवराज सिंह के राज में उनके ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, जो कहीं न कहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के भीतर ठेस पहुंचा रही है। दरअसल बरवारा क्षेत्र के रोहनिया ग्राम पंचायत खेल मैदान में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तहसीलदार को दी जा रही है, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज दर्जनों कार्यकर्ता आज बरवारा तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिवस के भीतर कार्यवाही न होने की दशा पर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं की आत्मदाह की चेतावनी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का आलम क्या होगा। बरवारा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। बड़वानी जिले के पाटी जनपद के ग्राम बमनाली के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सहायक सचिव और सचिव के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बड़वानी के पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत बमनाली के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच सचिव और सहायक सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत में कई घोटाले कर कागजों पर निर्माण करके लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की और जांच में सही पाए जाने पर सचिव को निलंबित कर सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन अब ये दोनों वापस ग्राम पंचायत बमनाली में नियुक्त होकर पंचायत का काम देख रहे, जिनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को लिखित में कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिला प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। इंदौर पुलिस की लगातार भू माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, जहां पर फरार भू माफिया सतवीर छाबड़ा, रमानी व साजिद चंदन वाले को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने लंबे समय से फरार चल रहे भू माफिया सतबीर छाबड़ा, रमानी व साजिद चंदन वाले को गिरफ्तार किया, जिनके शहर के अलग अलग थानों क्षेत्रों में धोखाधड़ी के मामले पंजीबद्ध है, जहां लंबे समय से ये तीनों आरोपी भी भू माफिया बनकर धोखाधड़ी कर रहे थे, जहां करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी इन आरोपियों ने करी थी और ये शो आराम कर रहे थे। लेकिन क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में फिलहाल में तीनों आरोपी आए हैं, जिनसे पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। तीनों ही आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जहां इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में धोखाधड़ी के मामले तीनों आरोपियों पर दर्ज हुए थे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। आज क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है। इंदौर से रिपोर्टर अजय शेख। मुख्यमंत्री निवास के सामने युवक द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास का मामला, सरकार ने दंडाधिकारी जांच के लिए आदेश। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के सामने धमतरी निवासी युवक हरदेव सिन्हा के द्वारा आत्मदाह के प्रयास करने के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया कि कलेक्टर धमतरी द्वारा इस संबंध में प्राप्त प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर दंडाधिकारी की जांच की जाए। बता दें कि 29 जून यानी कि कल हरदेव सिन्हा नाम का युवक मुख्यमंत्री निवास पहुंच गया था। इससे पहले कि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। हालांकि युवक इस वक्त खतरे से बाहर है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। जिला बाल कल्याण इकाई कार्यालय से लेखा विभाग का दस्तावेज गायब होने की सूचना रामपुर चौकी पुलिस को मिली है। लेखा विभाग का दस्तावेज गायब होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से एक जरूरी दस्तावेजों की फाइल सनसनीखेज ढंग से गायब हो गई। इस फाइल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण सम्मेलन में संबंधित कार्यवाही व आय व्यय के दस्तावेज भी शामिल हैं। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। रामपुर चौकी प्रभारी राजेश जांगड़े ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय से फाइल गुम होने संबंधित शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की विवेचना की जा रही है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत की माने तो फाइल गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच कार्यवाही जारी है। फाइल के गायब होने की घटना को देखते हुए कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के आदेश मिले हैं। घटना की सूचना पर रामपुर चौकी पुलिस जिला बाल कल्याण इकाई कार्यालय पहुंची, जहां समस्त कर्मचारियों से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोरबा से रिपोर्टर मनोज यादव। शहर के दर्जनों जर्जर इमारतें लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। शहर के विभिन्न दर्जनों जर्जर मकान आम लोगों की जान के लिए जोखिम बने हुए हैं। इस तरफ नगर पालिका एवं जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी लापरवाही के चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ज्ञात हो कि बरसात के दिनों में पहले भी जर्जर मकान गिरने से हादसे हो चुके हैं। नगर पालिका व स्थानीय प्रशासन ऐसे मकानों को चिन्हित करते हुए इन मकानों को नोटिस भेजे, जिससे जनधन की हानि से बचाया जा सके। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले में महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीति खोखर चकियार का गैर जिम्मेदाराना कार्य देखने को मिला है।
जांजगीर चांपा जिले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की तानाशाही इस कदर बढ़ चुकी है कि अब उन्हें शासन प्रशासन का भी कोई डर नहीं रहा, इसलिए सारे नियमों को ताक में रखकर जिले में मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में महिला बाल विकास विभाग की तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है, खास करके विभाग की महत्वपूर्ण योजना में शामिल रेडी टू फूड में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जब मीडिया द्वारा इस विभाग के जिम्मेदारों से जानकारी मांगी जाती है तो मीडिया में बयान देने से साफ मना कर देते हैं। हाल ही में सूत्रों से जानकारी मिली थी कि रेडी टू ईट फूड बनाने वाली जिले में दर्जन भर से ज्यादा समूह वर्षों से नियम विरुद्ध चल रही है, और जिसकी जानकारी ब्लॉक लेवल के अधिकारी से जिले के अधिकारियों तक को है। इसी संबंध में जब मीडिया द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीति खोखर चटियार से सवाल किया गया तो मीडिया में कोई भी बयान देने से साफ मना कर दिया गया। वहीं विभाग के प्रमुख और जांजगीर जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी का इस प्रकार का हरकत ने साबित कर दिया है कि जिले में भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर। देखा एक बार खबर का असर, फिर बजा स्वराज न्यूज चैनल का एक बार टंका, फिर देखा स्वराज न्यूज का जलवा, खबर दिखाए जाने के बाद कई दिनों से खराब पड़ी वित्तीय व्यवस्था को दुरुस्त कराया। असल में सागर के खेड़ा की ग्राम की नई बस्ती में विद्युत विभाग की मनमर्जी के चलते विद्युत सप्लाई मनमर्जी से की जा रही थी, लेकिन स्वराज न्यूज पर खबर लगते ही विद्युत विभाग की नींद जागी और देर शाम को ही विद्युत स्टैंड पर रखवा कर विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करवाया गया। इधर बता दें कि इस ग्राम की बस्ती में कई दिनों से विद्युत सप्लाई सही ढंग से नहीं हो रही थी, जिस कारण ग्रामीण त्रस्त हो चुके थे, लेकिन अब नया विद्युत स्टैंड पर रखे जाने के बाद सभी ग्रामीणों ने स्वराज न्यूज को तहे दिल से आभार मान किया। ग्रामीण इलाकों में विद्युत विभाग की मन मर्जी से परेशान थे ग्रामीण लोग, तो स्वराज न्यूज चैनल में खबर दिखाई जाती शायद विद्युत विभाग ने की ग्रामीण इलाकों में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको लखनऊ, और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर हो या फिर बार बार स्वच्छ जल से हाथ धोने का कार्य। स्वच्छता का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम ने देश और दुनिया को इसके प्रति पूरी तरह सोचने के लिए मजबूर किया है। इसी प्रकार से लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ गरीब कल्याण पैकेज मैं गरीबों के लिए जो घोषणाएं हुई वह बहुत महत्वपूर्ण थी। 20 करोड़ महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि जाना, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित होने वाले 9 करोड़ किसान को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलना, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन धारकों को इस योजना का लाभ मिलना, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए यूनिट के लिए जो पैकेज घोषित किए गए हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर के लिए जिस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई, और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये मुफ्त में राशन को आगामी 6 महीने के लिए बढ़ाया है, और यह नवंबर 2020 तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, मुफ्त में राशन की यह व्यवस्था उन्होंने पर्व और त्योहारों को ध्यान में रख करके और आने वाले समय में आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके इसे बढ़ाया है। हम इसके लिए आभारी हैं। समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, समय से लिए गए उनके निर्णय के कारण हमारा देश कोरोना संकट से बचा है, और दुनिया के अंदर अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर मृत्यु दर को देखते हैं। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे एक्सप्रेस रिपोर्टर का और सीधा ले चलते हैं आपको इंदौर। इंदौर में कोरोना के चलते मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का अटका हुआ काम अब दोबारा शुरू होगा। इस बार नगर निगम सबसे पहले बाधाएं हटाने का काम करेगा।
कंपनी के आग्रह पर जिला प्रशासन ने दोबारा काम शुरू करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही नगर निगम ने मेट्रो कंपनी को कॉरिडोर निर्माण में बाधक 47 और पेड़ काटने की अनुमति भी दे दी है। हालांकि सभी काम अब एक साथ शुरू नहीं हो पाएंगे। अब तक मिट्टी परीक्षण जैसे काम ही किए जा रहे हैं और कहीं भी मेट्रो के पिलर नहीं खड़े हुए हैं। वहीं इंदौर का मेट्रो प्रोजेक्ट 35 किलोमीटर लंबा है। ये काम 2019 में शुरू किया गया था। उम्मीद थी कि 1.5 साल में कुछ हिस्सा बन जाएगा, लेकिन बाधाएं नहीं हटने से काम अभी अधूरा ही है। कंपनी ने पहले निगम से 482 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, जो दे दी गई थी। अब मेट्रो कंपनी ने दूसरे सर्वे के बाद 47 अतिरिक्त पेड़ काटने की अनुमति मांगी है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल के मुताबिक नियमानुसार सभी अनुमतियां दी जा चुकी है, जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। इंदौर शहर में लगातार कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों का मिलने का क्रम लगातार जारी है। इंदौर में बीते 12 दिनों में कोरोना महामारी ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है और इसी का परिणाम है कि जब बीते 12 दिनों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो सामने एक डरावना आंकड़ा आता है, जो इंदौर वासियों को समझाने के लिए काफी है कि अभी खतरा टला नहीं है, बल्कि और अब ज्यादा सजगता की आवश्यकता है। दरअसल 12 दिनों के भीतर कोरोना से मरने वालों की संख्या 44 सामने आई है। वहीं दूसरी ओर 518 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जाने साफ है कि कोरोना के पहले दिन जाने लॉकडाउन 1.0 में जो स्थिति थी, उससे भी खराब स्थिति बीते 12 दिनों में सामने आई है। अकेले इंदौर में ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार रात तक कुल 229 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है, यानी बीती 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के साथ साथ इंदौर के अंदर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जयपुर में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान पीटीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने काली पट्टी बांध कर बैठे गांधी चौक पर हड़ताल पर। बल व बाहुबल से कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराकर बनाई गई भाजपा की शिवराज सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर काला दिवस के रूप में विरोध कर प्रदर्शन किया। कहां भाजपा के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत एवं पूर्व वन मंत्री बाबूलाल मेबरा सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर भाजपा का विरोध किया और गांधी चौक स्थित पर धरना प्रदर्शन पर बैठे, जहां भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान सरकार को घेरा और 100 दिन की पहल सरकार बताई, जहां कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री बाबूलाल मेबरा सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेम कुमार तिवारी। रायपुर के नए SSP अजय यादव ने संभाली कमान संभालते ही कहा, बेसिक पुलिसिंग पर रहेगा जोर। राजधानी रायपुर के नए SSP अजय यादव ने आज पदभार संभाल लिया है। सुबह 11 बजे SSP ऑफिस पहुंचकर उन्होंने रायपुर के पूर्व SSP आरिफ शेख से चार्ज लिया है। इस दौरान मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं पिपिंग सेरेमनी में नए SSP ने CSP सुनील शर्मा और अभिषेक माहेश्वरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बेस पहनाया। कमान संभालते ही SSP अजय यादव ने बेसिक पुलिसिंग पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के साथ जुड़कर काम कर सकें, बेसिक पुलिसिंग पर फोकस देकर काम कर सकें, यही प्रयास रहेगा। रायपुर पुलिस काफी अच्छी होकर काम करती रही है, इसी प्रकार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे काम करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कभी भी जनता से अलग होकर काम नहीं कर सकती, इसीलिए जनता हमारे केंद्र बिंदु में है और उनके साथ जुड़कर काम किया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। मंगलवार सुबह शहर के पीएचई कार्यालय के चौकीदार की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शहर के शोरूम चौराहे पर स्थित पीएचई कार्यालय में स्थित चौकीदार की खून से सनी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही केएल पुलिस व CSP मौके पर पहुंचे व खून से लथपथ पड़ी चौकीदार की लाश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसके शव का परीक्षण किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जब पीएचई कार्यालय में पदस्थ चौकीदार की लाश लोगों ने देखी तो इसकी सूचना केंद्र पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। कोविड-19 यानी कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश में कल से एक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है।
प्रदेश में कल यानी 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि किल कोरोना अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग प्रदान करें। इस अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीम लगाई जाएंगी। प्रदेश भर में सर्वे के बाद चिन्हित संदिग्धों के 3 लाख से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। रोजाना 21,000 टेस्ट किए जाने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें प्रदेश के औसत पॉजिटिविटी से अधिक पॉजिटिविटी वाले 13 जिलों में सघन सैंपलिंग की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि किल कोरोना अभियान के बाद कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में कमी आएगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर के निज सचिव कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस से बचाव में जुटे ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारियों को आखिर इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। नगर निगम आयुक्त संदीप माकन के पीए जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना मिलते ही नगर निगम में हड़कंप मच गया। निज सहायक ने शुक्रवार की शाम तक ड्यूटी की थी। सोमवार से शुक्रवार तक वे हर रोज निगमायुक्त संदीप माकन से फाइलों पर हस्ताक्षर कराते रहे। इस दौरान कई पत्रकार सहित तकरीबन 200 लोगों के संपर्क में आने की बात सामने आ रही है। निगमायुक्त ने सोमवार को भी क्षेत्र अधिकारी के अलावा शाम को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इसलिए पीए के पॉजिटिव होने की सूचना मिलते ही बाल भवन को 5 दिन के लिए सील कर दिया गया है। निगम मुख्यालय स्थित निगमायुक्त व पीए के कक्ष को भी सील कर दिया है। निगमायुक्त सहित 2 दर्जन अधिकारी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। निगम में 6,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। निगम का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, इसलिए ज्यादा चिंता बनी हुई है। फिलहाल बाल भवन को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। इसके अलावा इस भवन में जो भी कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते थे उनके सैंपल भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। होम क्वारंटाइन में रह रहे 2.5 माह के दूध बुढ़े बच्चे के मौत से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अकलतरा के ग्राम कचरी में होम क्वारंटाइन में 2.5 माह के बच्चे की मौत होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। परिजनों की माने तो 3:30 बजे के करीब बच्चा अपनी मां का दूध पीकर सोया था। मृतक बच्चे के परिवार को 16 जून को इलाहाबाद से आने के बाद होम क्वारंटाइन किया गया था। वहीं बच्चे की मां की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डॉक्टरों की टीम को और मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि मौत का असल कारण क्या है। अगर एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार श्रीवास। एक्सप्रेस रिपोर्टर में सवाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।